भारत में वैसे तो जंगली जानवरों को मारना अपराध है, लेकिन जब जानवर आपे से बाहर हो जाए और वह लोगों के लिए खतरा बन जाए तो उसे मारना मजबूरी हो जाता है। कुछ ऐसा ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुआ है। इस बाघ को देखिए, ये वही बाघ है जिसने लोगों के बीच इतना आतंक मचा रखा था कि मजबूरन इसे मार गिराना पड़ा। बाघ को मारने के लिए नेपाल से 4 शूटर्स बुलाए गए थे। इस बाघ को शूटर्स ने चारों तरफ से घेर कर गोलियां मारी। 4 गोलियां लगने के बाद बाघ की मौत हुई। बाघ की खोज पिछले 26 दिनों से चल रही थी। शनिवार को उसे गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव के खेत में घेरा गया। बाघ की दहाड़ सुनाई दी। इसके बाद टीम 3 ओर से खेत में उतरी और फिर शूटर्स ने बाघ को गोलियां मारी। इस बाघ के हमले में 10 लोगों की जान चली गई। पिछले 3 दिनों में इस बाघ ने 4 लोगों पर हमला किया था। कोई किसी कारण से अगर बाहर निकलता तो उसकी लाश ही वापस आती थी। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए थे। एक सोती हुई बच्ची को बाघ उठाकर ले गया था। इसके बाद शौच करने गए एक व्यक्ति इस बाघ का शिकार हुआ और फिर मारे जाने से ठीक पहले इस बाघ ने एक माँ बेटे की जान ले ली। वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने में लगी थी। 400 लोगों की टीम इस काम में लगाई गई थी, मगर ये बाघ इनके चंगुल में नहीं फंसा। इस दौरान गांव वालों ने अपना गुस्सा वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस पर भी निकाला, लेकिन जब बाघ को मार गिराया गया तब लोगों को सुकून मिला है। लोगों की भीड़ बाघ को देखने के लिए उमड़ पड़ी। इन लोगों के बीच से मारे हुए बाघ को लेकर निकलने में भी वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, मगर लोग अब चैन की सांस ले रहे होंगे। अब उन्हें इस आदमखोर से छुटकारा जो मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।